देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? आज तो बकायदा रंग बिखरे हुए हैं। सर तुसी परसों दे शो च मैंने जुगता कीती है ना, आज मैं अपनी फैमिली नाल लेके आया। ये सारी बातें आज ही अपनी फेसबुक पे चढ़ा देगा। हर बात फेसबुक पे। अच्छा? लेकिन वासे भाई भी शहजादे ने फेसबुक। अच्छा जी। एक दिन मैंने कहते आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं फेसबुक पे सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। मैंने एक दफा कहने मैं वासे भाई मैंने आपकी फेसबुक बनाई है तो कहना वीरा ये मैं जिल्द कितों करावांगा। इन्होंने एक दिन आप मोबाइल कंध च मारता, मैं क्या क्यों आया जे? कहते यार मैं मुंह धो के भी फोटो फेसबुक ते लाई, कोई लाइक नहीं करता। स्कूल गए तो टीचर ने पूछा कोई बुक लाए हो? कहते नहीं। यस मैम, कौन सी बुक? कहते नहीं फेसबुक। आपको बहुत हंसी आ रही है। इन्होंने भी बनाई है ना। और इन्होंने फेसबुक तो इन्होंने ब्लॉक ही करती। क्यों? बगैर मेकअप तो फोटो ला दी। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तौफीक भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस मारिया मलिक। माशाल्लाह आज मारिया मलिक जी आए हैं, सर मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं और मैंने बड़ी कोशिश की इनको शेर लिखने की। अच्छा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लिखूं। आखिर फिर तौफीक भट्ट साहब मेरे जहन में आए, मैं कहा ये आसान है। तो मैंने इनके ऊपर शेर लिखा है। सर यूं तो आती हैं सैकड़ों बातें, वक्त पर एक भी नहीं आती, हर 5 साल बाद आते हैं हुकूमत में तो हुकूमत क्यों टिक नहीं पाती। हाय 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 हाय। इस दफा तो हमें 4 साल भी नहीं मिले भाई जान, हमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन के 4 साल भी नहीं मिले। परवेज लाई साहब ने जो असम्बली तोड़ दी थी तो हमें 1 साल तो पहले ही फारग हो गए थे, आप 4 साल कह सकते हैं। ये सोच सोच के मेरा दिल रोता है। Oh my God। आंखें जागती हैं पर दिमाग सोता है। बीवी आसानी से हार तब ही कबूल करती है कैसर, जब वो हार सोने का होता है। मारिया क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा बहुत तो देखा। थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ गया यानी कि सारा कि क्या होता है। जी बिल्कुल। सो यू हैव आइडिया? हाँ थोड़ा बहुत है आइडिया। आपके ड्रामो का करियर का आगाज हुआ था, पहला ड्रामा था आपका आदि गवाही। जी। तो आदि गवाही से याद आया, नून लीग का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा बुरा हाल था तब भी हम कहते थे अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। और आप देखिए आप तो अच्छा हाल है, आपके बुरे हाल में भी हम आपको कितना याद रखते थे। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से बड़ी मुझे तो खास तौर पर बड़ी इज्जत मिली हुई है। नहीं नहीं वासे साहब और आप ये जो हमारे भाई हैं इनकी वजह से प्यार करो, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपकी वजह से बड़ी मुझे दुनिया के कोने कोने में पहचान मिली थी और मैं उस बात का मशकूर भी हूँ। नून लीग का हाल बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और आजकल बड़ साहब बहुत खुश ने ना। वो क्यों? बड़े मियां साहब आए ना, मोबाइल भी ले गए ना। खूबसूरत स्टाइल, वो कबूतर वाला यमन वाला सारा कुछ जी जी। उनकी स्पीच सुनी है। अच्छा। अभी उसी नशे में मगन है उनकी वो तकरीर के। पूरी कौम ने देखा कि मियाँ साहब ने एक अमन का पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कौम को और ये बात कही कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे और जो पीछे मुल्क का जो हाल हो गया हुआ था खराब हाल, उसको हम बेहतर बनाएंगे और बड़ा अच्छा मैसेज दिया मियां साहब ने। सर उस जलसे का मेनू नुकसान होया सर। क्यों? जी और मैं उत्थे पूरा जलसा सुनया, वापसी तक बंदे ने मेनू 1-2-5 का वादा किया, नहीं मिले। 1-2-5 तो मिलना ही जो बंदे लैके जाते कल ही चले गए। आपकी पहले मुलाकात है कभी? नहीं। भट्ट साहब से? नहीं। तौफीक भट्ट साहब जो हैं ये गुजरावाला से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े जबरदस्त वर्कर हैं।
एमपीए भी थे, अभी पंजाब असेंबली के अंदर ये टिल द टाइम इट वाज देयर। और आपको आसान लफ्जों में अगर बताऊं मैं तो मैं व्हाट्सएप का, आपने गदर फिल्म देखी हुई है सनी देओल साहब की जो थी जी, बिल्कुल, जिसके अंदर वो दिखाया था कि लाहौर आया और वाटर पंप उखाड़ दिया उन्होंने, तो व्हाट्सएप जो है वो गुजरांवाला के सनी देओल है, इन्होंने वहां पे गमले और दरख्त उखाड़े थे। हो गया था। वो तो मैंने ये बात की थी कि दरख्तों को लगाना है 25 फुट के फासले पे लगाएं जी, मगर उस वक्त ये नया पाकिस्तान कोई बात भी ऐसी उनको पसंद नहीं आती थी जो अपोजिशन का कोई बंदा चाहे अच्छी बात भी करे उसको कहता इसको अंदर कर दो, इसको जेल में डाल दो, तो इसको नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या किया था वो पौधे के साथ जो उन्होंने? नहीं, मैंने तो सिर्फ बात की थी खड़े हो गए पौधों 25 फुट के फासले पे लगाए। बस भाई इन्होंने अंज करके गमला पुटिया तो पुलिस आ गई, तो कोई शर्मिंदा नहीं, उन्होंने कह रहे मैं तो पानी लाना आया। सच्ची बात है, पुलिस आई नहीं थी, वैसे झूठा ही पर्चा उन्होंने दे दिया, पुलिस नहीं आई। हाँ, मगर फिर मामला रफा दफा हो गया था, तो बट साहब जो है वो गुजरांवाला से और बड़े बेचारे बड़े स्वीट आदमी बेचारा तो नहीं मैं बेचारा। मारिया, एक्टिंग करियर के स्टार्ट में आपने स्ट्रगल की थी कि आपको आते ही मेन लीड पे रोल मिल गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैंने स्पोर्टिंग लाइक कैरेक्टर्स किए, फिर मैंने मेजर कैरेक्टर्स किए, और देन फिर लोगों को पसंद आया और फिर उन्होंने मुझे लीड ऑफर किया, तो स्ट्रगल तो बिल्कुल स्ट्रगल तो मैंने की। आपको कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद हैं? मुझे सभी पसंद है, सब सभी नहीं हो सकती, सच में सभी पसंद है, सब बहुत अच्छा। जो फेवरेट होता है ना उसकी बात इसलिए, वो एक्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करते हैं वो कौन से हैं? लाइक माहिरा खान हैं, उसके बाद हुमायूं सईद हैं। हुमायूं सईद और माहिरा खान जी, ये दो निकले। हाँ, ये अच्छे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मतलब हम एक्टर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। So, ये दो है ना, देखें आपने शुरू में कहा था सभी दो, बहुत आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, फंसाना नहीं, तो कह रहा हूं आप अगर तीन चार के नाम भी लेंगी सो दैट इज फाइन, आप जो सभी कह रही हैं तो सभी, तो फिर सभी मतलब सब लोग, दो 300 बंदा निकलेगा, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पसंद पूछी, ये तो सियासी जवाब है। हाँ, ये देखे ना, वो भी कह रहे हैं सियासतदान, कह रहे हैं सियासी जवाब। जिस तरह अगर मैं इनसे पूछूं कि आपको शहबाज शरीफ साहब पसंद है नवाज शरीफ साहब पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? बल्कि इन दोनों के साथ साथ हमें हमारी बहन मरियम नवाज भी पसंद है, मुझे, और हमजा शहबाज भी पसंद। आप मुझे सियासी बयान ना दें, अब जिस तरह उन्होंने कहे तो आप, मैं तो सियासतदान हूँ, मैंने तो सियासी बात कर दी। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो मुकाबला है जमात में टिकटों का वो नून लीग ही है। हाँ जी, ये बात आपने सही की है, मैं मानता हूँ कि नून लीग की टिकट हासिल करने के लिए लोग बड़ा मुकाबले कर रहे हैं, और मुझे तो टिकट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफा भी मुझे मेरे कायदीन ने टिकट दी, दूसरी दफा भी दी, तो अब भी इंशाल्लाह ताला मुझे टिकट, एक टिकट तो वापस करन चल गए मियां साहब, तुसी फिल्म दी देती जे। चलो ये छोड़े, आप बताएं आपकी मारिया जी से मुलाकात है? नहीं, सॉरी। अच्छा, बात सुने, मुलाकात उनसे नहीं, उनको सॉरी बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपने बाहर मिलाया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों कह दूं मुलाकात है? ये जो आप लोगों को बाहर मिलने की आदत पड़ गई है ना, ये अब छोड़ दें। मगर मारिया, आप पहले अपना कोई ड्रामा बताएं इनको, जो आप चाहती हो कि ये वो देखे, ताकि इनको पता हो चले कि आपकी एक्टिंग क्या है। आपका आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है, आप वो बताएं ताकि यूट्यूब पे देखें। मेरा ड्रामा जो आजकल हिट चल रहा है वो है दिल ही तो है, ARY पर। दिल ही तो है, आपने व्हाट्सएप देखने मैं तो, दिल ही तो है, दिल ही तो है जी, जो बिल्कुल आपका आजकल बहुत है। दिल ही तो है एक हो गया, और बताइए कोई आपका रिसेंट कोई ड्रामा हो? और फितना, अरे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? मैंने अभी तक तो नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, और अब आ रहा है तो कोई आपने माइंड बनाया उसके लिए? इलेक्शंस आ रहे हैं जी, मैं इस साल सोचा है कि वोट कास्ट करेंगे। मुझे बताएं आपके खानदान में कोई एक्टिंग वगैरह करता था पहले? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी। तो फिर आपको ये ख्याल कहां से आया एक्टिंग का? मुझे शुरू से ही था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन क्योंकि स्टडीज भी जरूरी थी तो मैंने बिजनेस भी पढ़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक इस साइड पे माइंड है, बट मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं बिजनेस भी करूँ। ओके, यू वांट टू परसू दैट एज़ वेल। या, एक्जेक्टली। और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स थे जब आप जिनको देखती थी दैट यू वांटेड टू वर्क विद? सभी लोग अच्छे हैं, मैंने लाइक आशिफ महमूद के साथ काम किया जो लाहौर में होते हैं,
इसके अलावा बुशरा अंसारी और ये सब जितने भी सीनियर्स हैं इनको मैं देखती थी और मेरा दिल करता था इनके साथ काम करो कर लिया। जबरदस्त माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताएं कि आप अभी सुना रिसेंटली बड़ा फिर भी रहे थे, कहाँ कहाँ फिर रहे थे आप? जापान गया हुआ था। जापान आप क्या करने गए? मेरे दोस्त है ना सारे मुल्कों में बाहर है। हाँ। वैसे मेरी बड़ी हेल्प भी करते हैं, दुआ भी मेरे लिए करते हैं और है अभी वैसे मेरे मुखालिफ जमात का ज्यादा है। मुखालिफ जमात का वो ज्यादा है जो बाहर के मुल्कों में ज्यादा है। मगर बट साहब मुझे मगर मेरे से खुसूसी मोहब्बत। पहली दफा गए आप जापान? हाँ मैं पहली दफा गया। तो किधर गए आप वहाँ पे जापान? जापान गया था मैं, टोक्यो गया था और उसके अलावा भी कहीं शहर नाम ही भूल गया मैं, बड़े मुश्किल नाम है। अच्छा पता नहीं वो नगवादा नवादा इस तरह के नाम है, मैं भूल गया हूँ सचिव। अच्छा जापान तो कैसा लगा वैसे जापान आपको? अच्छा दुनिया के तमाम मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये बात है। जापान भी पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अच्छा मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जापान के जो लोग हैं ना, हाँ, वो एक कौम बने हुए हैं और वो इतने अच्छे लोग हैं, जितने भी उनकी तारीफ करें कम है। जो सफाई हमारा कहते हैं ना, सफाई निसफ ईमान है। हाँ जी। वो सफाई में 50 नंबर तो उनके हैं ना, निसफ तो ईमान उनका है पूरा हो गया और बाकी वो सच बोलते हैं। अच्छा जी। वो डिसिप्लिन है, सब्र करने वाले हैं। मतलब हमें तो यही मैसेज दिया गया था ना, सब्र करें, डिसिप्लिन से, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये सारे मैसेज हमें बड़े और भी हमारे जो एक इस्लामी माशरे में वो सारे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। इखलाक जो है ना वो बेहतरीन उनके पास वो एक समय लेते आ रहा है जिससे वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, दिलों में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं। सीखे जापानी सीखी आपने कोई? हेलो हाय कोई तक के लेवल की? नहीं मैं सॉरी नहीं। तो कैसे बात वगैरह करनी पड़ जाती कहीं जा रहे हो कुछ लेना वेना हो तो क्या कहते थे आप? तो मैं टूटी पर इंग्लिश ही कर लेना। उनको इंग्लिश आती थी फिर? हाँ इंग्लिश वो कम समझते हैं। कम समझते हैं वो, मैं इसलिए उन पे जरा ज्यादा हावी हो जाता था कि वो मेरे से भी कम समझते हैं। वेलकम बैक जी अरीज। बट साहब आपने मारिया को तो कन्विंस किया है कि मुझे वोट दें, मुझे कन्विंस करें, मैं तो आपके हल्के क्योंकि मैं आपको वोट क्यों दूं? हैं गुजरांवाला ओए होए, मुझे वोट इसलिए दें मुझे वोट इसलिए दें कि मैं वाहद पॉलिटिकल वर्कर हूं जो आप में से हूं। अवाम मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, नामुमकिन है मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में जाएं। और इसका सारे का सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अवाम से ताल्लुक है और मैं अवाम में से आया हूँ और मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ जो मसाइल ज़दा लोग हैं और मेरे चेहरे पे कोई नकाब नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग जो अरसा दराज से तमाम जमातों में आ रहे हैं, वो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या वो खानदान, वो जागीरदार लोग आ रहे हैं, ये अब सुभाष शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मेंबर बना है और मैं जाती तौर पर भी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास वो वसाइल ही नहीं है जिस वसाइल को इस्तेमाल करके लोग पार्लियामेंट में जाते हैं। इसलिए मुझे वोट दें, इस तरह दें कि जैसे आप अपने आप को वोट दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को वोट दे रहे हैं जो आपको मिले भी ना कभी बाद में। और मेरे बारे में ये मशहूर है कि मुझे जो आम लोग हैं वो कहते हैं तौफीक भट्ट साड़ी जेब है, हर वक्त साड़ी जेब है। तौफीक भट्ट के 5000 का नोट। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, चले बातें तो होती रहती हैं सारी जिंदगी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं आप क्या पूछें कि आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप सबकी आइडियल है, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा जिंदगी में कि जो ख्वाबों का शहजादा कोई होता ही है ना जिंदगी में। देखें यहाँ शो पे आने से पहले मैंने 4-5 एपिसोड्स देखे थे और यहाँ पे जो भी एक्ट्रेस आती हैं ये सबके साथ ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे कुछ सच बता के नहीं ना जाता। अच्छी बात है, हम आपका दिल क्यों दुखाएं? नहीं मैं पता क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। वो तो आप सभी के हैं। तो आज की बातों से लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे भी रिजेक्ट ही होऊंगा। लेकिन मुझे चले कुछ टिप दे जाए, चलो आप तो समझ गई बात को, मुझे कुछ टिप दे जाए कि कोई ऐसी टिप के कोई तो लड़की मुझे सच्चा समझ ले। बस ईमानदार रहें, सच बोलें, आपके फेस पे आना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं। मसलन 20 किलो आटा मुकान 20 किलो लेके जाना ईमानदारी के साथ।
सच बोले ना, क्योंकि आपके फेस पे वो सच नहीं आता ना, ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं आप। हर लड़की को बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लड़कियां आपको सीरियस थोड़ी ना लेंगी। बस एक लड़की को बोलूं, जाहिर सी बात है। चलो जी, आज के बाद जो पिछला बोला उसकी माफी। ठीक है। अच्छा, ये खुद ही माफी मांग के खुद ही समझ रहे हैं कि लोगों ने माफ कर दिया आपको। माफी, चलो जी माफी, माफी नहीं चाहिए आपको। सर तानू भी मगर बच्चा, वैसे आपके ख्याल से क्यों इसको कामयाबी हासिल नहीं हो पाती? असल में ना ये मामला जो है ना, ये जिस तरह की कामयाबी आप पूछ रहे हैं, जी जी, मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो कामयाबी का रहा, मैं तो अपने कामयाबी की बात। आपको कितना को एक्सपीरियंस है इस काम? जिस मामले में ये हीरो है ना, उस मामले में मैं सब जवानी के अंदर तो मुझे लगता है बहुत। तो मैं जवान ही हूं, तो ही मैंने बुढ़ा कर दिया। मतलब था क्या होती है, टीन एज 20 साल की उम्र के अंदर, तो फिर उस वक्त तो तौफीक बट और ही। 18-19 साल की उम्र में यूथ विंग का सदर था नून लीग का। अच्छा, तो बस इसी रास्ते पे भागते गए हैं, यही रास्ता, और कोई पता नहीं। सर फिर मोहब्बत नून लीग आ गई है, पीटीआई आ जाती है। सर मैं जो पूछना चाह रहे हैं, तेरा कुछ नहीं बनना भाई। सर मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि सच बोलना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद बस सच बोले तो बैलेंस बोला तो है उन्होंने आपसे। सच में नहीं ना, अभी भी इनकी शक्ल पे सच नहीं है। आपके ख्याल से इनकी शक्ल पे क्या है? और जो ऑब्वियस चीज है वो आपने नहीं कहनी। मेरी शक्ल पे इस वक्त तो मेकअप है, मेकअप में नहीं लग रहा होगा। लेकिन मैं बस यही चाह रहा था कि चले सच्ची बात कर लेते। शादी हुई भी आपकी? बर्बादी सिर्फ और कुछ। सर देखिए, मेरी मंगनी नहीं तो शादी कहाँ से होनी है? ये लोग ऐसे कहते रहते हैं इसकी शादी हुई है, बच्चे है, ना 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 ना। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, इसी वजह से नहीं हो रही। इसी वजह तो जाहिर सी, आप फ्लर्ट करना बंद करेंगे तो शादी होगी ना आपकी? फ्लर्ट नहीं, मैंने पीछे माफी मांग ली सबसे। नहीं, किसने माफ किया आपको? सबने माफ किया, वो देखो कैमरे में कर दिया ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपसे मैं सच बोल रहा हूँ, तो अच्छा, आप बहुत प्यारे हैं। देखें, सीरियस होकर बोलना पड़ेगा, सच बोल रहे हैं। मार गया जी। मैं आपसे इकरार करना चाहता हूँ, दिल से एक बात कहना चाहता हूँ जी। आप बहुत प्यारी हैं, आपके बहुत ज्यादा फैन है, लेकिन मैं आपका फैन नंबर वन हूँ। आपको देखता रहता हूँ, आपको ड्रामाज में देखता रहता हूँ, आपको ख्वाबों में देखता रहता हूँ। तो आज मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बड़े भाई वासे की कसम के मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा नहीं, वो आपने कसम बहुत हैवी खा ली है। इस तरह के फैंस आपको मिलते हैं हमारी? किस तरह के? इस तरह के। अच्छा, दिस इज यूजुअली द वे जो आप डील करती हैं, जिस तरह अभी कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे ना तो फिर रियायत कर रहे हैं। मैं तो फिर रियायत कर रही हूं उनसे। अच्छा, हां, तो क्या वैसे यूजुअली कैसे डील करती हैं? अच्छा, मैं डील ही नहीं करती, मैं साइड पे नहीं करती। अच्छा, हां, यानी कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। एग्जैक्टली। हुन ताडे लो फिर ना ही है जी। जी, इनकार, साफ इनकार, टीवी पे बैठ के कर रही हूं मैं। थैंक यू। तो ताडे लो भी माफी अरीज। जी, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरा मंशा है। मेरा सवाल मारिया जी से है कि आपके नज़दीक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में क्या मसाइल हैं? मसाइल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को नई कहानियां लेकर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मतलब काम किया है, और मुझे लोगों से यही सुनने के लिए मिलता है कि आप एक जैसे ही करेक्टर्स करती हैं और वो एक ही चीज़ पर घूम रहे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक चैनल को लगाया हुआ है जहाँ पे वो एक स्टोरी चल रही है, तो वही स्टोरी दूसरे चैनल पे भी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, दैट्स इट। कंटेंट हमारा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा चाहिए। सीन जब आप कर रही होती हैं, तो कौन से हंसने वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं? मेरे ज्यादा, क्योंकि मैं पॉजिटिव करेक्टर करती हूं, तो मेरे बहुत दुखी से होते हैं और रोने वाले भी होते हैं। तो ये दुख लाने के लिए कॉन्स्टेंटली क्या कोई ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल कर रही होती है या? हाँ, समटाइम हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं। उसके अलावा भी रो लेती हैं आप? हाँ, जो जब तो पेट्रोल महंगा हो। बहुत इंटेंस सीन्स हम लोग जो करते हैं लाइक्स पे, मतलब हम लोग जो डेथ सीन बेसिकली जो हम करते हैं, जिस चीज को हम लोग सोच नहीं सकते वो हम एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें स्पेशली हमारे ना अंदर से ही हमारा रोना निकल रहा होता है, तो बेसिकली वो एक टफ सीन्स होते हैं मेरे लिहाज से। कभी घर पे प्रैक्टिस वगैरह करती हैं कोई, इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो करती हो आप, या पहले करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई खास प्रैक्टिस नहीं। कभी हुआ है कि घर पे अम्मी या किसी ने कह दिया कि अभी तुम ड्रामा वाली एक्टिंग ना करो हमारे साथ? हाँ, ये तो मैं घर पे तो बिल्कुल भी एक्ट्रेस नहीं हूँ, अम्मा तो काम करवाती हैं मुझसे। ड्रामों पे आप रोती हैं, चलो ठीक है, वो मान लेते हैं, वैसे भी रोते बट सब तुसी कदी रोए खुल गया। सच्ची बात है कि
रोना शोने वाले जो बात है वो तो अल्लाह के फजल से अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ कभी ऐसा, जुर्माना मगर मगर ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कभी अफसरदा हुए हैं या परेशान हुए हैं, तो ये परेशानी तो है कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तक वो उस सड़क पर नहीं चढ़ रहा जिस पर हम पाकिस्तान जब बनाया था तो हमारे आबा अजदाद ने सोचा था, तो उस पर आता तो है कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि मिलजुल के, मैं पिछले प्रोग्राम में जब वो एक पीटीआई का बंदा मेरे साथ बैठा तो मैंने उसको भी कहा था कि यार ये इंतशार फितना ये एक दूसरे को गाली देना इस तरह का माहौल ख़त्म करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें, जो बंदा आपके साथ है वो ठीक है साथ है अच्छा है, जो आपकी राय के बरक्स है उसको आप गाली देते हो, उसको आप पीछे देखे ना ये 9 मई का जो वाकया हुआ क्या हुआ है, यही रोना आता है हमें कि हम अपने मुल्क के साथ ही मुखलस नहीं है और हम आलाकार बन जाते हैं मुख्तलिफ लोगों का जो मतलब अपने मफाद के लिए हम जब हलफ उठाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपने जाती मफाद को मुल्क के इज्तमाही मफाद पर कुर्बान करूँगा और जाती मफाद को तरजीह नहीं दूंगा, मगर अमली तौर पर हम उसके बरक्स काम करते हैं जैसे पीछे हुआ है, तो उस बात पर रोना ज़रूर आता है और सारी कौम को आता है रोना कि यार हम क्यों हम पाकिस्तान को उस तरफ नहीं लेके जा रहे जिस तरफ तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के मंजर। और मैं बड़ साहब एक तारीफ करना चाहूँगा कि अपने इलाके से तो अलावा भी जो कोई खुशी गमी च इन्होंने लाजमी जाना होंगे सर, और एक जगह तो गए मेरे नाल गए सन, वो बंदे ना गले रख के कह रहे कि भाई बड़ा अफसोस होया, कहते भाजी मेरे बेटे की सालगिरह तुसी गलत आ गए। ये क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम, व्हाट हैपेंड? फिर मेरा यार कसूर कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता यार, आप एक्सीडेंट अपना है तो नाम मेरा लाते हैं, तो चंगा सी मैं किधरे बड़ी ते समोसे ला लेंदा यार। अरे एक्सीडेंट ही हो गया इनका कैसे? सर जी 2.5 लाख का मोटर बाइक ले लिया, 3500 cc है सर, इतनी बड़ी तो उसकी टैंकी है, 2.5 लाख मोटे मोटे टायर और ऐसे चलाना पड़ता है, 2.5 लाख डॉलर का। अच्छा जी, और मना भी कर रहा हूँ भाई, आपके पास लाइसेंस नहीं है आप ना चलाएं, हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं है। हाँ। कहीं मेरी आंख लगी है। हाँ। केक मार के बाहर काट लिया, ओए भां भां, ये तो मैं के लैबिल निकल गए। हाँ। भजियां लेकिन निकल गए सर, कल कर ले, लेकिन उत्ते बैठा होगा फिर बां बां ही होनी। व्हाट हैपेंड? कह रहा यार मैं तो पीछे तेरे वहां था रात ऊपर तर रचा थी, कहते पैसे मैं इन्हें भरे सन, मेरा बड़ा दिल कर रहा है शिद्दत नाल, मैं थोड़ी देर से बाहर निकला ठीक है, तो ता मैं कहता कर लिया। कौन तो अर कब मिल तर रचा थी मुश्ता यकीन, कहना मैं उन्होंने ना जी स्पीड पूरी दे के तो लम्मा पै के चला रहा सा। मोटरसाइकिल ते कड़ीसदा गया ना जी। हाँ। ये फिर उत्तों थोड़े जिहे उत्ते गए ने। अच्छा। फिर आके जमीन च वजे ने ते 3.5 फुट थले चले गए। सर जिस जमीन च वजे उतो तेल निकल आया। ਟੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ الحزن ليس انهم هذه الاشياء ما في مشكل كانر دیکھو نا کڈے ظالم لوگ نے بھی میں نے سٹاں بجیاں سن میں ہسپتال لے کے جاندے ہاں ایوہ کتے لے گئے ما فی روح الى المستشفى روح سیدا مرکز الشرطه کہندے میں ہسپتال دی بجائے سیدھا تھانے لے گئے نے کیوں ہاں پھر ایوہ شرطہ کو لے دے فی موجود رخصہ ہاں کہندے بھی تیرے کو لائسنس ہے ہاں انا گل ما فی او کہندے میرے کو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عمر پوچھی نا ہاں بیت کتنی عمر ہے تیری او نال والے کسے بندے نے کہے 3.5 من او تو میرے گالو غصہ کر گئے اے ہن ساری سٹاں لگیاں نے آ جا غلطی فی مورج اس کی غلطی کہاں سے ہوئی یا چھوڑ لے اس کو وہ دوان اٹھو کر دے بائک کی کہہ رہا ہے
खेस बने केस ते रूं दी जगह रखे ना तंबू पाड़ के पट्टी की थी गुजरांवाल मालूम मैडम मालूम सुपर स्टार टेलीविजन कराची मैं देखा तो ड्रामा इस वे 7 बजी है मैं कोई गल नहीं कर सकता लेकिन एप्रीशिएट करना चाहते सन भी थोड़ा ड्रामा देखे ड्रामा जो कोई ड्रामा बनावांगे तो फिर मैडम साहब बड़े अफसोस की गल है की गल नहीं कर रहे वैसे हर साल जाते हो भी कुछ है दे दो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अच्छा जी कैसा लग रहे हैं? बहुत अच्छा। लेवल डिनर करके आए हैं। किधर? बड़े मियां साहब ना करें यार, ड्यूटी तो बाहर वाले निकले हैं यहाँ। अच्छा बड़े मियां साहब की कॉल आ गई। मैंने कहा ना निर्गोली, वेयर यू बीन? हासा निकल गया मेरा। ना करें। मैं कहा सर हूं लंदन तो पाकिस्तान आ गए, छोड़ दो अंग्रेजी। अच्छा मैंने कहा ना निर्गोली यार जदों दे आए हैं पाए नसीब ही नहीं हुए। मैं कहा सर एक्चुअली आपकी तबीयत के पेशे नजर एहतियात जरूरी है। कहंदे ने मौसम निकल गया ते फिर केड़ी तबीयत ते केड़ी एहतियात। मैं कहा दसो फिर केड़ी दुकान खुलाइए। ठीक है। कहंदे ने नो नेवर नथिंग। व्हाई? तुमको पता है कि मैं अवामी बंदा हूँ तो मैं अवाम में नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल है। मैं समझ गया फिर। मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं सर, दसो कितू ले आवा पाए कितने इंतजाम करा। कहना निर्गोली तेन भी दसना पाएगा। मैं क्या सर मैं समझ गया। गया फिर कढ़िया डाला वड्डे दो देश के पायां दे रखाए 7000 रोटी नाल रखी। मैं क्या खरे केड़ी पसंद आवे? बिल्कुल। लारेंस गार्डन दा वड्डा गेट खुलवाया। इंज लगिया पिछू गार्ड दस्तरखान लाया, दो कुर्सियां लाई ने, चार मेज लाए ने। चार मेजा ते लगता है ना खाना नाश्ता। आके अहीं करके ग्राउंड नूं वेख्या ने। कहंदे ने फिर बिलावल क्यों कहंदा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? मैं क्या सर जरदारी साहब कहंदे ने बच्चा आएगा मिलके समझाएंगे। ठीक है। हाँ कहंदा वो भी समझा लांगे। वेरी गुड। कहंदा यार निर्गोली की यादा ने इस ग्राउंड ना साड़ियां। अच्छा जी। कहंदे ने याद ही मैं एस एज ते खलोता हुंदा सां। ते दूसरे एंड ते वो हुंदा सी कौन? भागने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। कहंदा कैसा फिर फ्रंट फुट ते आ के उन्हें मारे ने छक्के। अच्छा चौके। ओ मैं कहा सर उस वेले एम्पायर तुहाडे हुंदे सन। कहंदे ने तेरी दुआ ना लोण भी अपने ही ने। मैंने कहा मैंने इलेक्शन से पहले बात की तो क्या पाया? कहंदे ने उपाय से ख्याल आया। वो कड पाए ते पा प्लेटां दे विच। जी सर
ਸਰ ਜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਨੇ ਔਰ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਤਨਾ ਸਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕੀ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿਤਨਾ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੀਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸਰ ਤੌਫੀਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੈਪ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਨੈਪ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਰਗੋਲੀ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮੇਂ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥੇ ਵੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥਾ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਂਦਾ ਜਬ ਵੋ ਨਿਕਲਾ ਤੋ ਸਨਾਟਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਤੋ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਜਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਰ ਗੋਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਨਾਟਾ ਆਂਦਾ ਕਹਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਖਾੜਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ Welcome back to Gupshup. मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ऑडियंस का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मारिया जी से है कि आपका कोई इरादा है फिल्म करने का? जी बिल्कुल, मेरा पूरा पूरा इरादा है, मैं फिल्म्स की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह। और कैसी फिल्म करना चाहेंगी आप? अच्छी फिल्म, लाइक अभी जो मौला जट आई है, उससे पहले हमारी जो कुछ मूवीज हिट हुई हैं, जवानी फिर नहीं आनी, इस तरह की मूवीज, तो पाकिस्तानी हमारा जो फिल्म का कंटेंट है वो मुझे अच्छा लगता है। और आपको पता है जवानी फिर नहीं आनी किन्होंने लिखी थी? जी मुझे पता है। तो आप एक फिल्म और लिखें जिसमें या शेख कुछ कर कुछ कर प्लीज उसमें कास्ट करें मारिया जी को, इनके लिए रोल है। सही, देखें आपका वो जो स्टेप था डांस का, वो स्टेप नहीं था, एक तो एक रैंडम हरकत थी जो कि थी उसके अंदर उसको स्टेप ना कहे, स्टेप नहीं से की था वो, इन अदना तार ते पैर आ गए ते करंट लगा रहे। हां यही यही वाला था, आपने भी अच्छा किया। बट सब आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? आपकी तो लुक भी बड़ी खूबसूरत है, मूंछें भी हैं और बड़ी यूनिक एक स्टाइल है, हैंडसम बहुत है। जो अपनी लुक को देख के कभी किसी ने कहा जैसा बेटी आप कह रही हो कि आप इतने हैंडसम हो? अपनी जो बंदे की पर्सनालिटी शख्सियत है उससे हट के करने की क्वालिटी हो, मेरे में वो है नहीं है क्वालिटी। जो मेरी शख्सियत है वो अंदर बाहर ऐसे ही है, जैसे टीवी पे है, आम जिंदगी में है, गलियों मोहल्लों में है, तो एक्टिंग मैं कर नहीं सकता। मगर ये वैसे बाद में मानने को तैयार नहीं कि आपको व्हाट्सएप कभी किसी ने कहा नहीं। अभी जब आपने लास्ट दो साल पहले वजन भी बहुत लूज किया था तो तब भी घर वालों ने तो कहा होगा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो बीवी ने मैंने कभी नहीं कहा आप बड़े हैंडसम हो। आपने कभी भाभी से पूछा कि तुम तो कह दो कम से कम, क्यों नहीं कहा उन्होंने? नहीं पूछा तो नहीं है,
मगर आज वैसे जाके वापस उसने कहा नहीं है ये देखेगी तो उसको पता है सच कह रहा हूँ मैं। मगर शायद आइंदा कहे। मगर नहीं चले देखिए एक चीज है, तुम आप जाके घर पे गिला कर सकते थे। देखो मुझे बाहर लोग कहते हैं हैंडसम, कभी घर में किसी ने कार फुल तैयार हो गए थे, भाभी ने वेख के कहंदे आज तुसी जाना नहीं तैयार क्यों हो यार। अभी तैयार मैं कभी होया ही नहीं जे। अच्छा मैं सच्ची बात है आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ऐसा ही बैठा हुआ हूँ। मुझे मैं कई आपके प्रोग्राम में लोग आते हैं बड़ा टाई शाई आया, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ जैसे मेरे है, ये मेरा आम सी एक मैंने पहनी। मगर भाई साहब आप अगली बार आप भी कोई आए ना कोई सूट पहन के हमारे पास। आप जापान गए थे वहाँ पे आपने पैंट शर्ट पहना था या नहीं? नहीं मैं पैंट शर्ट तो नहीं पहना, वैसे वो क्या उसको कहते हैं यार सफारी सूट क्या, हाँ, वो मैंने एक दिन के लिए पहना था। अच्छा आप भी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई थी, मैंने ये क्या पहन लिया क्यों बस झक सी जैसे होती है। ले तो वहाँ पे किसने कौन सा बिछाना था वहाँ पे खैर नहीं, वो मुझे मेरे तो पाकिस्तानी मिल रहे थे ना मुझे तो, हाँ जापानी तो मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं तो पाकिस्तानियों के साथ ही जा रहा था आ रहा था। फिर जापानी दोस्त ने क्या ला दे सर पोस्टमैन लग रहे थे बुजुर्ग है ना उनके, बुजुर्ग नहीं है उनको पसंद है ठाकुर साहब, एक ज्यादा उनका बड़ा फैन क्लब है इसलिए वो माइंड कर रही थी कि आप क्यों ऐसे कर रहे थे। अच्छा जी ठाकुर साहब आप फैन इनकी? हाँ। अंकल सॉरी ये तो खैर मजाक है, मगर बट साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मारिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड वी होप टू सी यू इन मोर ड्रामास एंड फिल्म्स एंड व्हाट एवर वर्क दैट यू डू। बट साहब उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे और हम आपको दोबारा से एक बार असेंबली में देखेंगे मेहरबानी, और वहां पे फिर देखेंगे। आमीन भी करवा दें साहब से। हैं जी कह दें आमीन आमीन प्लीज आप कह दें आमीन 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 मगर नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।